यार इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। हैं? अंडा तो नहीं है भाई इसमें। तभी मैं सोचूं वो बोल रही है बार बार, पर अंडा किधर गया इसका? अंडा तो इसमें है ही नहीं भाई, नीचे भी नहीं है। एक तो हमने खुद ही देखा था यार, मैंने देखा ऊपर तो नहीं है। तो दोस्तों भी हमारी जो ये खुमरे हैं इन्होंने एक अंडा दिया हुआ था, हमें लगा था कि दो हो गए होंगे, लेकिन जब हमने कनाली उठा के देखा तो उसमें एक भी अंडा नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इसके अंडे गए किधर, ये क्या भाई। दोस्तों अभी हमारी जो रैबिट ने कल बच्चे दिए थे उसका ना ये एक बच्चा जो है ना ये कल ही ना हमें लग रहा था कि एक्सपायर हो गया, क्योंकि ये जो है ना ये काफ़ी वीक था जब उस बच्चे दिए थे उसने, ये तब भी एक वीक था। और जो बाकी है ना माशाल्लाह वो देखिए, ये देखें ये माशाल्लाह, ये चारों जो है ना ये माशाल्लाह चारों के चारों माशाल्लाह ठीक हैं और ये काफ़ी एक्टिव भी हैं। और ये हमें लग रहा है कि ये जो फीमेल है ना उसने ना इन बच्चों को ना फीड करवाना शुरू कर दिया। अभी हम एक काम करते हैं कि इधर कोने में ना कॉटन कम है, तो इधर मैं ना इनको उठा के ना इधर नीचे थोड़ी और कॉटन रख देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसने ना हीट बनाई हुई है इधर, ये बच्चों ने ना मतलब बच्चे इधर पड़े हुए हैं ना तो इधर गर्म हुए हैं, वो उसने ना अपने बच्चों को इधर छुपा के रखा हुआ है। तो हम इधर थोड़ा सा कॉटन रख के ना तो बच्चों को वापस उधर ही कोने में रख रहे हैं, तो ऊपर ये कॉटन रख देते हैं ताकि वो वैसे ही बैठ जाएँ जैसे पहले बैठे हुए थे। तो दोस्तों भी हमने इनको वापस इधर रख दिया। और ये वाला जो एक बच्चा है ना हम इसको ना अभी ना उठा के ना तो इसको हम दफनाते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपायर हो गया हुआ है। अभी हम इसको इधर रखते हैं तो बाद में इसको ना दफना देंगे। तो अभी तक ये जो बाहर हमने इनको सारों को निकाला हुआ है तो अभी तब तक हम ना इनको इनके ये डाइट दे देते हैं इधर, ताकि ये अपना खाना वगैरह खा ले। ये देखें ये सारे इधर ही ना, ये देखें जो सारे हमारे रैबिट हैं उनको अभी पता चल गया, हम जिधर भी रखते हैं ना उनकी ये डाइट ला के ये स्टाला, तो ये उधर से खुद ही खाने लग जाते हैं। मतलब हम डाले भी ना तो खुद ही उठा के खाने लग जाते हैं। अभी हमने इन रैबिट्स को दे दिया, तब तक ना अभी हम अपनी ये हिनी को भी दे देते हैं। हिनी को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, ये हमारे पास पास आ रही है, वो देखें ये अभी नीचे दे देने लगी थी इसको, तो इसको भी दूध दे देते। इसका दूध हम ले के आए हुए, दूध पड़ा हुआ है तो इसको भी दूध पिला देते हैं अभी हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों हमारे जो माशाल्लाह से वो डव है ना, वो देखें जो कल भी मैंने दिखाई थी वो उधर बैठी हुई है, वो माशाल्लाह से अभी जो है ना अभी उस घर में पक्के बैठी है जो ना, उसको मैं तकरीबन दो घंटे से उसको ना मैं नोट कर रहा हूँ, और वो दो घंटे से माशाल्लाह उधर ही बैठी हुई है। और वो देखे वो वाले कुछ में भी जो है वो बजे जो अंडा दिया हुआ था ना वो हमें पता नहीं था किस वाली फीमेल ने दिया, वो ये वाली ग्रीन वाली फीमेल ने दिया जो अभी उस ये वाले ना कुछ में बैठी हुई है, इस कुछ में जाके तो ये वाली ने दिया। और वो ऊपर वाली भी जो है वो सबसे ऊपर वाला कुछ वो भी माशाल्लाह से उसमें भी फीमेल बैठने लग गई है। और इसमें ये रेड आइज वाली फीमेल इस वाले कुछ में ये देखे बैठी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो है ना इसके साथ मेल कौन से वाला है। तो लेकिन ये फीमेल बैठी हुई है, मेल तो कभी बैठा देखा ही नहीं हमने इस वाले कुछ के ऊपर। अब पता नहीं इसका क्या सीन है, वो कब होगा। अभी जो है ना अभी फ़िलहाल हम इनको ना दाना दे देते हैं, क्योंकि आज सुबह से इनको दाना नहीं दिया तो इनको भी काफ़ी भूख लगी, और ये ऐसे ना भाग भाग के हमारे पास आ रहे हैं कि हमें दाना वगैरह दो कुछ खाने के लिए। तो हम पहले इनको दाना देते हैं, इतना ही दूसरे में भी डाल देते हैं और ला के हम। ये देखा दोस्तों अभी हमने दाना सही डाला भी नहीं है और ये चूज़े आ गए, और चूज़े आ गए ना ये दाना खराब। ये जो हमारे चूज़े हैं ना बड़े दोनों, इन दोनों का हमें ना बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हो रहा है। वो देखें वो आएंगे, वो देखें सारा दाना जो है ना वो बिखेर देते हैं, खाते बहुत कम है, ज़्यादा जो है ना ये वेस्ट ही करते रहते हैं दोनों हमारे चूज़े। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ना वो जब अभी ये ना हम डेली यही कहते हैं कि हम ना इनको बाहर निकाल देंगे इसके अच्छे, लेकिन बाहर जो है ना अभी रात को सर्दी हो जाती है और सर्दी की वजह से ये बीमार हो जाएंगे और फिर ये ना इनके एक्सपायर होने का ख़तरा है, तो इसलिए ना हम इनको ना अभी बाहर नहीं निकाल रहे। तो दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ कि हम ना अपने ये खुमरों के ना अंडे चेक करते हैं कि खुमरों के अंडे कितने हुए हैं, क्योंकि ये बैठे तो रहते हैं दोनों, कभी फीमेल बैठते हैं कभी मेल बैठता है, लेकिन हमने इनके अंडे नहीं चेक किए। तो ऐसा करते हैं हम ना आज इनके अंडे चेक करते हैं कि इनके ना अंडे कितने हो गए हैं। मैंने इनकी कनाली उतारी है। ओए यार इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। हैं? अंडा तो नहीं है भाई इसमें। तभी मैं सोचूं वो बोल रही है बार बार, पर अंडा किधर गया इसका? अंडा तो इसमें है ही नहीं भाई, नीचे भी नहीं है। एक तो हमने खुद ही देखा था यार, मैंने देखा ऊपर तो नहीं है। तो दोस्तों अभी हमारी जो ये खुमरे हैं इन्होंने एक अंडा दिया हुआ था, हमें लगा था कि दो हो गए होंगे, लेकिन जब हमने कनाली उठा के देखा तो उसमें एक भी अंडा नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इसके अंडे गए किधर, ये क्या भाई।
दोस्तों ये पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे ये खुमरे जो है ना ये हर दफ़ा अंडा देते हैं, कभी इनके अंडे टूट जाते हैं और कभी जो है ना, एक दफ़ा तो हमने खुद ही इनको जब शिफ्टिंग की तो इनके अंडे टूटे, तब फिर इसने इस कुजे के ऊपर दिए, इधर भी इसके अंडे टूट गए। अब इसने ना इधर इस नाली में अंडे दिए हुए थे, एक दिया हुआ था, एक तो हमने खुद ही देखा था और हमें लगा था कि इसके दो अंडे पूरे हो गए होंगे, लेकिन अभी पता नहीं क्या इसको मसला है कि इसका भी जब हमने उठा के देखा तो एक भी अंडा नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है यार, मुझे तो नहीं पता, आप भी बता भाई, खा भी नहीं सकते हैं या पूरा थोड़ी खा सकते हैं, वो भी नहीं है इसका दोस्तों, भी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इसका अंडा किधर चला गया, एक अंडा तो हमने खुद ही देखा था, चले वो दूसरा इसने नहीं दिया होगा लेकिन एक अंडा तो इसका होना चाहिए था ना इधर, अभी वो भी नहीं है इधर, अजीब इसकी ना खुमरों की हमारे जो है ना इनके, मुझे लगता है कि हम भाई ना हमारे पास खुमरे बच्चे नहीं दे सकते, इतनी दफा इन्होंने अंडे दिए हर दफा अंडे वेस्ट हो जाते हैं यार, ये पता नहीं क्या अजीब हमारे साथ ना हो रहा है बार बार, वो तो भाई उस फीमेल का टूटा था ना, और वैसे भी वो अंडा टूटता तो वो उधर थोड़ी जाके टूटता, टूटता तो इधर, टूटता तो हमें लगता कि चलो ये खुमरे का टूट गया, लेकिन खुमरे यही तो मसला है भाई। जी तो दोस्तों हमने इन सबको डाइट दे दिया, अब जो है ना हमारी हिनी की बारी है, हिनी जो है ना हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रही है कि मुझे भी यार कुछ दे दो, तो उस्मान भाई अब जो है ना चलो तो चलो 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 डाल दिया चलो, वो तेरी है अभी देखो इसकी कितनी स्पीड हो गई, अभी माशाल्लाह से ना मतलब ऐसे पीने लग गए थे आगे, इसने पानी भी फट से पिया था, तो ये देखें सुमान भाई का ना सबर नहीं करने दे रही है और ना ये खुद करती है, इसको पता नहीं क्या ऐसे कहती है कि मुझे बस पिलाई जाओ खिलाई जाओ कुछ ना कुछ, भूख लगी है ना बेचारी को भाई, हेलो फिनिश हो भी गया, आगे इसने पानी भी पिया है ना, काफी ज्यादा पानी पिया है इसने आगे, चलो खत्म, अब थोड़ी देर ठहर के पीना, चलो फूटो यहां से। जी तो दोस्तों अभी हमने ये सारा इधर चेक कर लिया, अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे इसके ना ये खुमरों के अंडे 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 थे, एक अंडा तो हमने खुद ही देखा था तो हमें लगा था दो हो गए होंगे, तो अब हम सोच रहे थे कि थोड़े दिनों तक इनके बच्चे आने वाले हैं, लेकिन उसके अंडे ही नहीं है उधर, वो पता नहीं अंडा किधर चला गया ना, उसका कोई शैल नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, से इनसे ही पूछते हैं हेलो किधर किए हैं आप लोगों ने अपने अंडे, वो तो खा रहे हैं बस मस्त हो गए, उनको पता ही नहीं है कुछ कि हमारे अंडे गायब हो गए हैं, उसमें बच्चे थे वो आराम से बस खा रहे हैं इजी हो के। तो दोस्तों अभी जो है ना हम सोच रहे हैं कि अब हम ना इन खुमरों का ना कोई और ज़्यादा कुछ सेफ जो है करें इनके लिए कुछ, के इनके अंडे ऐसे हर दफ़ा इनके अंडे ऐसे ही होता है, कभी नीचे गिर के टूट जाते हैं, कभी वो खुद ही वेस्ट कर देते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ, तो अभी हम जो है ना इनका कुछ और सोल्यूशन देखते हैं कि इनका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जानवर घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।